न्याय अपना काम करेगा। ये सामूहिक उपवास पर बैठे हुए लोग ये भी चाहते हैं, ये प्रस्ताव करते हैं कि जिन लोगों उनका खुलासा होना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये प्रस्ताव ये सभा। मुझे भी पता तो चला है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी तक शायद वही लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, और उन्होंने जो लोग जिन्होंने मर्डर किया उनके नाम भी बताए हैं, लेकिन अभी उनमें से कोई व्यक्ति शायद नहीं पकड़ा गया है जिन्होंने मर्डर किया था। और वैसे तो मेरा कहना यही था कि जब इन लोगों का जब तक पता नहीं चलता, जब तक ये राज नहीं खुलता कि कौन लोग इसके हत्या के पीछे थे, किन लोगों ने हत्या की है, तब तक मैंने कहा था कि मैं उपवास रखूँगा। और आज ये भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यद्यपि ये रोज़ाना कह रहे थे 3 दिन से कि हम भी आपके साथ बैठेंगे, पर मुझे उम्मीद थी कि कल शाम तक इसका पता चल जाना चाहिए था, लेकिन अभी पता नहीं चला। तो मैंने कहा था रात तक पता नहीं चला तो फिर दूसरे लोग भी बैठेंगे, तो फिर उनके बैठने में कोई उनको रोकूंगा नहीं। तो इसी तरह से दूर दराज से सभी, इधर उधर से, शहर से, गांव से सभी लोग यहां पर आकर के बैठे हैं। भूख हड़ताल पर सवेरे 8 बजे से कार्यक्रम था और ये लोग मैं इनका तो धन्यवाद करता हूं, इनकी सहानुभूति मेरे साथ है। ये भी सब लोग यही चाहते हैं कि उन लोगों का, उन मुलजिमों का जल्दी जल्दी पकड़ा जाए, ताकि समाज के अंदर एक विश्वास ये पैदा हो कि इस कांड के पीछे कौन लोग थे। जो बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे, भारतीय जनता पार्टी इस मर्डर के पीछे है, साहिब सिंह उसके परिवार के लोग इस मर्डर के पीछे है, ताकि सच्चाई को भी लोगों को सच्चाई का पता कर सके। जहाँ तक इस उम्मीदवार की बात थी, उम्मीदवार तो आज तक भी टेक्निकली भारतीय जनता पार्टी का ही था, यानी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जनता पार्टी, समता पार्टी ने इसको अपना नुमाइंदा बनाया था, लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं, समता पार्टी ने ये कहा है कि हमारा हाथ उस मर्डर के पीछे है, तो मैं इसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देना किसी भी राजनीतिक नेता के लिए, अकारण देना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और उनको आपका कोई कनेक्शन है नहीं, आप अभी डिनाई करते हैं क्या किस चीज को? मर्डर में ये जो पूरा षड्यंत्र है, आप इस तरह की विचित्र बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्पिरेटर पकड़े गए हैं, जिन्होंने मर्डर किया उनके नाम भी पता चल चुके हैं, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। जो गैंग राइवलरी जो थी आपस की, ये उसी का नतीजा है। इसका भारतीय जनता पार्टी से और हम लोगों से किसी तरह का दूर दूर का भी कोई संबंध नहीं है। हाँ, यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, हमारा ये अनशन जारी रहेगा जब तक स्पेसिफिकली हमें ये नहीं पता चल जाता कौन लोग, किन लोगों ने इसको मारा है, कौन लोग इसमें शामिल। अभी तक की जानकारियों के मुताबिक गैंग राइवलरी के कारण से ये मर्डर हुआ है। तो हमारा ये धरना, हमारा ये अनशन अभी चल रहा है। अब करीब 72 घंटे होने वाले हैं जब मेरे इस अनशन को, और मुझे ये बताया गया है कि बहुत जल्दी ही आज शाम तक या कल सवेरे तक इसके बारे में पूरा इसका भंडाफोड़ हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा, ये लोग पकड़ लिए जाएंगे। जब इसके ऊपर मुझे लगेगा कि कोई ठोस कार्रवाई हो गई है, उनके बारे में पूरी जानकारी हो गई है, किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ, ये सब पता चल जाएगा, तो फिर मैं ये अपना अनशन समाप्त करूँगा और तभी मैं इलेक्शन कैंपेन में जाऊँगा। ये समता पार्टी भी ही चाहती है कि असलियत में वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये मर्डर किया, वो कौन से कारण है जिससे ये मर्डर हुआ, पता चल जाएगा। तो समता पार्टी यही तो चाहती है। तो
जो समता पार्टी चाहती है कि इसके बारे में जानकारी मिले वो जानकारी पूरी हो जाएगी। मैंने कल गृह मंत्री प्रधानमंत्री सबसे मिल करके मैंने मांग की थी, परसों ही मांग की थी कि इस इंक्वायरी को अगर कहीं पर भी ये लगे दिल्ली पुलिस की कोई ढील है, दिल्ली पुलिस इसमें कोई गड़बड़ कर रही है, तो निश्चित रूप से ये इंक्वायरी हमें सीबीआई को देनी चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अभी क्योंकि हमें पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी कुछ जानकारियां हासिल कर ली हैं, उसका कुछ पता चल गया है, इसलिए मैं समझता हूं इस मामले को हमें पता करने का ही हमारा मकसद था, वो फिर भी कहीं कोई कसर रहेगी तो सीबीआई को एक केस जाना चाहिए। हमने ये दो दिन पहले मांग की थी। अब भी जाना चाहिए क्या? पांच लोगों, अगर जानकारी मिल जाएगी, पता चल जाएगा, लोग पकड़े जाएंगे, तो फिर सीबीआई को तो इसीलिए जाना था कि लोग पकड़े जाएं, जानकारी मिले। अगर दिल्ली पुलिस ने कर दिया तो फिर दिल्ली पुलिस ने कर दिया तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। लेकिन इसकी पकड़े जाने के बाद भी, ये पता चलने के बाद भी, इसकी और भी गहराई में जाने के लिए हमें और प्रयास करने चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जिन कारणों से मर्डर हुआ है, इस तरह की कारणों को लेकर के जो लोग दिल्ली की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, ताकि वो भंग ना होने दी जाए, उसके लिए कारगर कदम भी उठाए जाने चाहिए। दिया था मैंने उसके बारे में कहा था कि कुरान जी का स्टेटमेंट, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ऐसा कहना उचित नहीं है। उन्होंने यद्यपि उसको पूरा एलिबरेट नहीं किया, उन्होंने जो कहा है उसके कई मतलब लगाए जा सकते हैं, लेकिन अखबार वालों ने जो कहा है कि उसमें जो एंगल दिया है वो ये एंगल दिया है कि साहिब सिंह जब से मुख्यमंत्री बना तब से ये गड़बड़ हुई है। अब ये मर्डर तो मेरे मुख्यमंत्री हटने के बाद हुआ है, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जो हादसे हैं, अगर ये पॉलिटिकल होता, किसी तरह से बीजेपी का इसमें हाथ होता तो इस तरह की कोई बात कहता तो समझ में आती थी, लेकिन इस तरह की बात कहना सर्वथा उचित नहीं है, ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। वेद सिंह के परिवार के लोगों को कल के बारे में मुझे पता है, कल तो उन्होंने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया। आप सवेरे मिलकर आए तो ठीक है, आप मिलकर आएंगे तो आपको ज़्यादा पता होगा। बहरहाल उनको जिस तरह से कोई मिसगाइड कर रहा है उस तरह की बात कर रहे हैं। जब असली तो उनको पता चल जाएगी और मर्डर करने वाले पकड़े जाएंगे तो फिर उनके पास क्या बात बाकी बचेगी आरोप लगाने की। लेकिन अगर मर्डर करने वाले पकड़े भी जाएँ और फिर भी वो यही चिल्लाते रहें कि वो तो हमने करवाया है, तो ये मैं समझता हूँ ऐसा कहना उचित नहीं है। जो आपसे बात हुई आप भी ज़्यादा दूसरों को बता दें तो ठीक रहेगा, पता चलेगा कि आज भी उन्होंने कहा है ऐसा कहा है तो क्या कहा है, किसने कहा है? मुझे नहीं पता, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इसकी, मैंने तो कहा है हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। कोई किसी का भी नाम लेता है, परिवार का नाम, आदमी नाम लेता है या बाहर का भी नाम लेता है, हर एंगल से इस मामले की पूर्ण जांच होनी चाहिए। लेकिन जब मर्डर करने वाले पकड़ लिए, कॉन्स्पिरेटर पकड़ लिए गए हैं और जिन्होंने मर्डर किया था वो भी पकड़ लिए जाएंगे, उनके बारे में भी नामों का पता चल गया है, फिर उनके परिवार के लोगों का इस प्रकार क्या कहना, मैं समझता हूँ मैं उसके पीछे सिवाय कोई राजनीतिक कारण, सिवाय कोई ऐसा कारण जो किसी ने उनको पढ़ाया होगा बताया होगा, इसके और कोई कारण नहीं हो सकता।